सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है क्या, इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना है। इसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। उसके बाद आपको करना है कि आपको जाना ऐड फोटो में, एंड यहाँ से ऐड करना आप सभी को अपने मॉडल को। एंड गाइस, जैसे यहाँ से आप अपने मॉडल को ऐड करोगे तो गाइस, इसमें मतलब कि मॉडल में मेरा कुछ पार्ट रह गया इरेज करने के लिए, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट इरेज करूँगा, ठीक है। तो थोड़ा मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, उसमें फटाफट कर लेता हूँ। बाकी गाइस, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ यार, कि मतलब ये जो बैकग्राउंड है ना यार, बहुत मेहनत से बनाया मैंने, तो यार उसके लिए यार एक वीडियो को लाइक जरूर करना। और आजकल यार जो चैनल का जो इंगेजमेंट है ना, बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, तो यार थोड़ा सा यार शेयर करके यार थोड़ा सा सपोर्ट बना दो अपने भाई के ऊपर, ताकि आप लोगों के लिए मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूँ। क्योंकि मोटिवेशन जो है अंदर से बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है एडिटिंग को लेके, तो गाइस आप लोग थोड़ा सा यार सपोर्ट दिखा दो, जिससे गाइस ये मतलब कि भी मतलब मेरे अंदर एक मोटिवेशन बना रहे कि मैं मतलब वीडियो बनाऊँ। समझ सकते हो गाइस आप लोग, अगर आप भी क्रिएटर हो तो। बाकी मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा यार, आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है इस टाइम मेरे को। तो बाकी अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे गाइस, जैसे आप अपने मॉडल यहाँ पे ऐड कर लोगे, तो आप लोगों को करना है क्या गाइस, यहाँ पे आप लोगों को अपने मॉडल का एक डुप्लीकेट बनाना है, ठीक है। वो डुप्लीकेट क्यों बनाना है वो मैं बता देता हूँ आप सभी को। जैसे आप डुप्लीकेट बनाओगे तो आपको नीचे दिख रहा होगा गाइस कि मॉडल के नीचे थोड़ा सा मतलब कि वाइट वाइट सा है ना, तो इसको हम डार्क करने के लिए हम यहाँ पे इफेक्ट में ले जाएंगे दूसरे मॉडल को, एंड उसको हम यहाँ पे डार्क कर देंगे, एंड यहाँ पे हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे। ब्रश को लेने के बाद जहाँ जहाँ पे वाइट वाइट था ना, वहाँ वहाँ पे हम इसको पेंट कर देंगे, जिससे कि वहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस आ जाए, यानी कि शैडो टाइप लगे, ठीक है, जिससे कि मतलब थोड़ा रियलिस्टिक सा लुक आएगा एक, ठीक है। अभी एक मैंने क्यों किया है वो भी आपको आके पता चल जाएगा अपने आप ही, ठीक है। तो अभी हम ऐसे ऐसे फटाफट करते हैं। अब गाइस यहाँ पे हमने इतना कर लिया है, अब क्या करेंगे हम यहाँ से इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम रख लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो कुछ भी नज़र नहीं आएगा, तो ओपेसिटी कम रखेंगे। देन जाएंगे ऐड फोटो में, यहाँ से ऐड करेंगे हम एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड, ये वाला, एंड इसको ऐड करेंगे। एंड इसको ऐड करने का रीज़न ये है कि अगर जैसे हम बनाएंगे शेडोज़, अब शेडो बनाने के लिए हम इसको मूव डाउन कर देंगे, रेजर टूल में जाएंगे, इसको कन्वर्ट कर देंगे, ब्रश लेंगे, ब्रश का साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे, एंड जहाँ जहाँ पे हमें शेडो चाहिए वहाँ वहाँ पे कुछ इस टाइप से ऐसे पेंट करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे आपको इसकी ओपेसिटी जो है कम कर देनी है, एंड इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर इसको यहाँ पे कर देना है डन, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और करनी है, जैसे कि मतलब गाइस जो आपका मॉडल है ना, आपको उसका डुप्लीकेट बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने मतलब शेडो को बना लिया, तो मैं इसको इन्वर्ट करता हूँ। तो हम ले लेते हैं यहाँ से, इसको नीचे ले जाते हैं, एंड यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट करते हैं, इसे मॉडल का डुप्लीकेट कर लेते हैं, एंड जो मॉडल है इसको हम वापस से मूव डाउन कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने जो मॉडल लिया है इसको हम इफेक्ट में ले जाएंगे, इफेक्ट में ले जाने के बाद हम इसका ब्लैक एंड वाइट है जो, इसको हम इसका अमाउंट जीरो करके मर्ज कर देंगे, एंड इसका जो नेगेटिव वाला ऑप्शन है इसको मर्ज कर देंगे। फिर यहाँ पे कलराइज में जाएंगे, एंड यहाँ से जो है हम ऑरेंज कलर ढूंढ के इस तरीके से हम यहाँ से इसको ऐड कर लेंगे, एंड देन हम इसको जो है सेम साइज़ में वैसे ही रखेंगे जैसा था। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इरेजर टूल में जाएंगे, एंड इसको जो है हम इरेजर लेंगे, एंड यहाँ से जो है पहले सब कुछ रिमूव कर देंगे, फिर ब्रश लेंगे, ब्रश को लेने के बाद जो है हम यहाँ पे साइज़ ओपेसिटी कम कर लेंगे, एंड साइज़ को बढ़ा देंगे थोड़ा सा, एंड यहाँ पे हम इस तरीके से पेंट करेंगे। इतना बताने के बाद दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, हम यहाँ से एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड एक और ऐड करेंगे, क्योंकि हमें जो पैरों के नीचे भी शेडो बनानी है, तो यहाँ से हम इसको ऐड कर लेते हैं, एंड सेम चीज़ वही करेंगे, यहाँ पे हम इसको इंक्रीज़ कर देंगे, एंड मूव डाउन करके इरेजर टूल में जाएंगे, एंड यहाँ से जो भी हिस्सा है सबको हम इरेज कर देंगे, मतलब पेंट करेंगे, इरेज नहीं पेंट करेंगे, क्योंकि हमें शेडो चाहिए। अब वैसे यहाँ पे हमारी शेडो बन चुकी है, तो अब हम जो है इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर लेंगे, ठीक है। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, फिर दोबारा ऐड फोटो में जाएंगे, एंड ऐसे ऐड करेंगे कार्ड, ठीक है। तो क्योंकि कार्ड का पीएनजी लगाना ज़रूरी है, क्योंकि सब पूरी जो कॉन्सेप्ट है हमारे इस कार्ड के और चेयर के ऊपर ही है, ठीक है। तो इस कार्ड को जरूर ऐड करना आप लोग भी, ठीक है। तो हम इसका साइज़ छोटा करके जो है हम यहाँ पे रख लेंगे ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। एंड उसके बाद क्या करेंगे, इरेजर टूल में जाएंगे, और इरेजर टूल में जाने के बाद हम जो है यहाँ पे इरेजर लेंगे साइज़ जो हार्डनेस कन्वर्ट करके, एंड जो हार्डनेस फुल कर लेंगे, थोड़ा सा पेंट करेंगे हमें जहाँ जहाँ पे जिस जिस एरिया में हमें रखना है। अब गाइस इतना हो जाने के बाद आप लोगों को फिर क्या करना है, यहाँ पे जो हम पेंट करते हैं फटाफट, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आगे बताता हूँ आपको क्या करना है। इतना हो जाने के बाद जब आपका इतना काम हो जाएगा, तो आपको जो अपनी फोटो को यहाँ पे सेव कर लेना है, क्योंकि अब इसमें लाइट रूम में इसको ले जाकर रिटच करना है थोड़ा सा हमें, ठीक है। तो लाइट वाला ऑप्शन में जाएंगे, इसके जो है कॉन्ट्रास्ट हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, हाईलाइट जो है इसको कम करके कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा देंगे, ठीक है। एंड जो ब्लैक है इसको कम कर देंगे, एंड वाइट को बढ़ा देंगे। फिर कलर्स में जाएंगे, इसका हम वाइब्रेशन बढ़ा देंगे, मिक्स में जाकर ऑरेंज कलर सेलेक्ट करेंगे, इसका ल्यूमिनस जो है हम बढ़ा देंगे, एंड जो येलो कलर इसका ह्यू माइनस कर देंगे, एंड उसके बाद चलेंगे यहाँ से डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन माइनस कर देंगे, ल्यूमिनस को बढ़ा देंगे, एंड इसको कर देंगे डन, ठीक है। फिर उसके बाद जाएंगे नीचे वाले टूल में, यहाँ पे हम फोटो की क्लियरिटी बढ़ा देंगे, एंड फोटो में विग्नेट डाल देंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग, और फिर इसके बाद ऐसे लेंगे नीचे वाले टूल में, एंड शार्पनेस को बढ़ा देंगे, एंड फाइनली हमारी जो फोटो है कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो आशा करता हूं और आप सभी वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना, और बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।